गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वो मार लो काम पूरा मत दो, ये तो हो जाए, पता पूरा तो देगा भी नहीं। गुड मॉर्निंग। चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। ओके बिफोर वी स्टार्ट क्विकली, एनी डाउट्स फ्रॉम प्रीवियस सेशन? कल हम लोग जो भी किए, ऑल द कॉन्सेप्ट व्हिच वी डिड, आई होप क्लियर है सब। यस ग्रेट। ओके चलो, तो आज हम लोग क्विकली बैंकिंग का और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स करते हैं एंड देन वी कैन लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस। आप लोग को LMS पे एक्सेस मिला हुआ है सबको? यस राइट। हाँ हाँ ठीक है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, इफ यू ऑल रिमेम्बर वी स्पोक अबाउट बैंक फेलियर्स, राइट? बैंक रन के बारे में हम लोग ने बात किया था कि कैसे बैंक के क्लाइंट्स पहुंच गए बैंक के पास टू आस्क फॉर मनी एंड द बैंक डिड नॉट हैव इनफ टू पे आउट, क्योंकि बैंक को स्ट्रेस सेलिंग करना पड़ा जिसके कारण दे कुड नॉट जेनरेट इनफ मनी, राइट? तो ये था लिक्विडिटी रिस्क। Liquidity was the issue over here. अब ये issue हम लोग को समझ में आ गया कि बैंक के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग किए थे जहाँ पे बैंक को 5 ईयर का एक लोन एडवांस करना था और उसको फंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ 5 ईयर डिपॉजिट बैंक वॉज टेकिंग 3 months का ट्रेजरी बिल्स। इट वॉज इशूइंग 3 months ट्रेजरी बिल एंड रोल ओवर रिस्क हो रहा था कि हम लोग को नहीं पता वो 3 months का ट्रेजरी बिल हम लोग वापस से इशू कर पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं इशू कर पाए तो हम लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे, राइट? तो ये सब चीज को कवर करने के लिए वी हैव टू कंट्रोल द लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स, वी हैव टू रेगुलेट द लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स। ओके We have to control the liquidity of banks. इसके लिए टू मेजर रेशियोज या टू मेजर रेगुलेशन यूज होते हैं। एक फर्स्ट होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये क्या होते हैं? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होते हैं कि बैंक शुड हैव सफिशियंट फंड्स या सफिशियंट सोर्सेज ऑफ फंड्स to meet next 30 days liability in acute stress. Acute stress kya hoga? Acute stress hoga a situation where let's say downgrading ho gaya credit rating ka, ya fir bahut sara drawings ho gaya, bahut sara depositors come and ask for their money. That would be a situation of acute stress. ये सब को हम लोग scenario testing बोलते हैं, stress testing बोलते हैं। तो 30 days of continuous acute stress survive करने जितना funds bank के पास हमेशा होना चाहिए। Okay? So that is liquidity coverage ratio. And एक और है net stable funding ratio. Both of these are very important. दोनों का example also I have already discussed yesterday. Liquidity coverage में जो 30-day acute stress था, this was the bank runs, जहाँ पे अचानक से सब deposits repay करना पड़ता है. Net stable funding ratio. Net stable funding ratio क्या बोलते हैं? It limits mismatch of asset liability. Okay, it limits the mismatch of assets and liabilities. हम लोग कल ALM के बारे में बात किए थे कि जैसे कि 5 years के deposit को match करेगा 5 years का loan, approximated,
इसको इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए ज्यादा, मतलब इस 5 ईयर्स को आप चलो 4 तक ले जाओ, बट यू कैन नॉट गेट इट लोअर. तो इतना उन लोग लिमिट कर देते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं मिसमैच कर सकते. क्लियर है दोनों रेशियोज? अब जो बैंक के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं जो बैंक का एक्चुअल एसेट लाइबिलिटीज है, फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट्स एंड लोन्स. प्राइमरीली डिपॉजिट्स एंड लोन्स क्या होते हैं, बैंक का बिजनेस रिलेटेड होते हैं, वो मच्योरिटी तक होल्ड होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक अपने डिपॉजिट्स को या लोन्स को ट्रांसफर करने वाले हैं बिफोर मच्योरिटी, वो तो जब लोन रीपे होगा तभी बैंक का बुक से हटेगा, एंड जब डिपॉजिट भी रीपे करना होएगा या डिपॉजिट विड्रॉ होएगा तब बैंक का बुक से हटेगा. बट एट द सेम टाइम बैंक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, डेरिवेटिव्स हो गया, इक्विटी हो गया, ये सब चीज क्या होते हैं, ये सब चीज प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए होते हैं. विच मीन्स बैंक ये नहीं सोचते है कि मेरे को डेरिवेटिव को स्क्वायर ऑफ तक होल्ड करना है, या डेरिवेटिव जब तक सेटल नहीं होते तब तक होल्ड करना है, या इक्विटी जब तक जिस कंपनी का इक्विटी ले रहे हैं जब तक वो कंपनी वाइंड अप हो के मेरे को रुपया नहीं दे तब तक हम लोग एक गोइंग कंसर्न की तरह पकड़ के रखते हैं. इट इज प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, विच मीन्स कि वी आर गोइंग टू इन कैश और लिक्विडेट दीज, वी आर गोइंग टू इन कैश दीज और सेल रियलाइज, नॉट होल्ड देम टिल मच्योरिटी. तो एक बात बोलूं, जो ये वाले होंगे जिसमें हम लोग मच्योरिटी का वेट करेंगे वहां पे कौन सा रिस्क आएगा, और जहां पे हम लोग को सेल करना है वहां पे कौन सा रिस्क आएगा? क्विकली मेजर रिस्क बोलना. डिपॉजिट एंड लोन्स में क्रेडिट रिस्क वेरी गुड, और डेरिवेटिव में मार्केट. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मार्केट में, यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट है कि सामने वाला क्या करेगा. लोन्स अगर रिपे करेगा तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी लोन होल्डर्स क्रेडिबिलिटी कि वो रीपे करेगा कब करेगा एक्सेट्रा. एंड मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस हो रहा है, क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होगा एट व्हाट रेट वी आर एबल टू सेल इट ऑफ. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक्स अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रेड. ट्रेडिंग वर्सेस बैंकिंग बुक में डिवाइड. बैंकिंग बुक पे क्रेडिट होगा, ट्रेडिंग बुक पे मार्केट रिस्क का कैलकुलेशन होगा. अंडरस्टूड? अब लेट्स कम टू, चलो पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम लोग कल डिस्कस किए कि क्या होते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अलग अलग रोल्स डिस्कस किए. क्विकली आई जस्ट शो यू ऑल, ये रहा. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैपिटल रेजिंग, एडवाइजरी सर्विसेज स्पेशली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में, एंड दे आल्सो एक्ट एज ब्रोकर्स और डीलर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, राइट? याद है? अब जो ये कैपिटल रेजिंग होते हैं, मैंने बोला था कैपिटल कैन बी इक्विटी कैपिटल रेजिंग और डेट कैपिटल रेजिंग. तो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग एक बार ले लेते हैं, लेट्स लुक एट जेपी मॉर्गन.
जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सबको एग्जाम्पल लेते हैं। ओके कोई भी कंपनी को अगर कैपिटल रेस करना है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैपिटल रेस करना है, तो वो अप्रोच करेगा जेपी मॉर्गन को एंड बोलेगा दैट आई वांट टू रेस सम फंड्स। बट ऐसी थोड़ी ना जेपी मॉर्गन बोलेगा ओके कम वील रेस फंड्स फॉर यू। जेपी मॉर्गन सबसे पहला स्टेप करेगा, दे विल हैव टू स्क्रूटिनाइज एवरीथिंग, दे विल हैव टू स्क्रूटिनाइज एवरीथिंग। क्या करेंगे उन लोग, दे आर गोइंग टू लुक एट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, दे आर गोइंग टू लुक एट ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दे आर गोइंग टू परफॉर्म वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस थोड़ा सा बाद में आएगा जब और थोड़ा श्योरिटी मिल जाए दैट वी वॉन्ट टू गो अहेड विद द डील। वी आर गोइंग टू लुक एट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्या है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अलोंग विथ पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट से जज करके हम लोग फ्यूचर कर पाएंगे। तो बेसिकली ये सब जो होता है, ये सब के लिए एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड अ रोड शो। रोड शो में क्या होता है, रोड शो में जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, सारा काम कंपनी के बिहाफ पे मैनेजमेंट ही करते हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है, सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो क्या करते हैं, उन लोग अटेम्प्ट करते हैं टू परसुएड द इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आज रिलायंस के जितने भी सीनियर मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन लोग जेपी मॉर्गन के पास जाएंगे और बोलेंगे, अपना ये सब चीज दिखाएंगे, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर प्लान्स, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ दे हैव परफॉर्म्ड, व्हाई दे वांट द फंडिंग एटसेट्रा। उसके बाद उन लोग पर्सुएड करेंगे जेपी मॉर्गन को टू अंडर राइट। वॉट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग? अंडर राइटिंग बेसिकली मीन्स इन अ वे एक गारंटी लेना, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, वी आर राइटिंग शेयर्स और वी आर राइटिंग बिजनेस, राइट? तो हम लोग राइटिंग शेयर्स जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स क्या करते हैं, उन लोग वैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स अंडर राइटर्स ऑल्सो टेक गारंटी कि आपका जितना भी शेयर्स है वो प्लेस हो जाएगा। अगर नहीं प्लेस हुआ देन वी विल बाय दोस शेयर्स, ठीक है? बट ये हमेशा नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट कि अंडरराइटर सारा शेयर लेगा कि नहीं लेगा। ओके उसको बोलते हैं फर्म कमिटमेंट। फर्म कमिटमेंट, इफ अंडरराइटर सेज दे विल बाय और दे विल प्लेस 100% शेयर्स, देन ऑफकोर्स बैलेंस उन लोग को खुद उठाना पड़ेगा अगर मार्केट में नहीं उठा तो। और एक होता है बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट एफर्ट्स अरेंजमेंट। उसमें क्या होता है कि हम लोग बेस्ट प्राइस देंगे बट वी कैन नॉट गारंटी ऑल द शेयर्स। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, इसमें दे चार्ज अ फी, इसमें दे चार्ज अ फी। ओके यूजली वो फी डिपेंडेंट भी होते हैं ऑन द प्राइस, समटाइम्स इट कैन बी फ्लैट फ्री और फ्लैट फी ऑल्सो। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेसिकली अंडर राइट दीज शेयर्स। अब दो वे से शेयर्स इशू हो सकते हैं ये हम लोग, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट बैंकर जाके कुछ चार पांच ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जब ऑर्गेनाइजेशन बल्क में इन्वेस्ट करते हैं दे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका क्या मतलब है, इंस्टीट्यूशंस आर इन्वेस्टिंग। हम लोग अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वी आर कॉल्ड रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में उठा रहे हैं। ओके तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे यूजुअली प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में और भी जन आ सकते हैं बट मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। एंड इसको पब्लिक ऑफरिंग, इसको पब्लिक ऑफरिंग। ओके तो दोनों चीज करने में इन्वेस्टमेंट बैंक्स विल हेल्प, करेक्ट? प्राइस उन लोग डिसाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक वाले। बट बहुत बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो प्राइस डिसाइड करते हैं
वो प्राइस यूजुअली उन लोग एक्सपेक्टेड प्राइस से डिफरेंट चार्ज करते हैं, ओके, बिकॉज दे टेक इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. क्योंकि क्या होता है दैट फर्म कमिटमेंट में क्या होगा, बैंक गारंटी कर रहे हैं कि एक्स प्राइस पे हम लोग सारा शेयर बेचेंगे. मतलब मान लो $50 है, हम लोग गारंटी कर रहे हैं कि वी विल सेल 100K शेयर्स एट $50. तो ऑब्वियसली अब जितना भी बैलेंस होगा, अगर मार्केट में खाली 80K उठाऊं तो 20K इन्वेस्टमेंट बैंक विल हैव टू पिक अप, 20K शेयर्स इन्वेस्टमेंट बैंक विल हैव टू पिक अप. अब बता मेरे को एक चीज, इन्वेस्टमेंट बैंक कमाएगा कैसे यहाँ पे? फर्म का ये बेस्ट एफर्ट्स में तो आई टोल्ड यू उन लोग फी चार्ज करते. यहाँ पे यूजुअली व्हाट दे डू इज, यूजुअली उन लोग $50 कमिट कर देते हैं $50 टू दी कंपनी. मतलब जेपी मॉर्गन रिलायंस को कमिट कर दिया दैट आई विल सेल योर शेयर्स एट 50. चलो रिलायंस का बात करें, वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओनली. देन जेपी मॉर्गन क्या करेगा, 50 रुपीज पे रिलायंस से सारे शेयर्स ले लेगा एंड मार्केट में जाके उसको लेट्स से 52 पे बेचेगा. तो ये जो 2 का मिसमैच है पर शेयर, दिस इज देयर प्रॉफिट, दिस इज देयर प्रॉफिट और अर्निंग्स. क्लियर? बोलो एक और चीज. एमसीक्यू के लिए फर्म कमिटमेंट को बॉट डील भी बोला जाता है. ओके, एनी डाउट्स एनीवन? क्लियर है सब कुछ अभी तक जो हम लोग किए हैं? अब मेरे को एक चीज आप लोग एनालाइज करके बताओ, फर्म कमिटमेंट वर्सेस बेस्ट एफर्ट्स, Which one is better for which entity? And also एक short reasoning भी कि क्यों. I will give an example for this, तो थोड़ा easy हो जाएगा. Let's say हम लोग को 100K shares issue करने एंड अभी मार्केट में वो शेयर का प्राइस चल रहा है $58. ठीक है, बेस्ट एफर्ट में क्या होगा, बेस्ट ऑफ एफर्ट्स में 1.5 पर शेयर का फीस लेंगे. जितना भी शेयर्स बिकेगा उस पर 1.5 का फीस लेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक वाले. फर्म कमिटमेंट में दे हैव कमिटेड कि 50 पर शेयर पे दे आर गोइंग टू सेल. नाउ लेट्स लुक एट टू अल्टरनेटिव्स कि फाइनली मार्केट में क्या होते हैं. फाइनली फर्स्ट अल्टरनेटिव में मार्केट पे 55 पे होते हैं, सेकेंडली 48 पे होते हैं. मतलब एक इज अबव फर्म कमिटमेंट प्राइस, वन इज बिलो फर्म कमिटमेंट प्राइस. नाउ एनालाइज एंड टेल मी कि विच वन इज बेटर फॉर विच एंटिटी.
इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या हो रहा है, जब 55 के बिक रहे तो बेस्ट एस्टिमेट में बैंक कितना कमा रहे हैं? $5 कितना? अच्छा मेरे को बताओ, बेस्ट एफर्ट का बात हो रहा है, बेस्ट एफर्ट में डिपेंड करता है कि बैंक कौन से प्राइस पे इशू कर रहे हैं, बिकॉज जो फी है दैट्स अ फ्लैट फी, दैट इज अ फ्लैट फी। तो यहाँ पे तो हम लोग अज्यूम कर लिए कि सारा 100,000 शेयर्स हम लोग प्लेस कर दिए, तो हाउ मच बैंक, वेदर वी सेल इट एट 55 और 48, बैंक का तो श्योर शॉट है 1500 के, सॉरी 150 के। बोलो, बैंक विल अर्न 150K डॉलर्स नो मैटर व्हाट प्राइस दे प्लेस इट एट। फर्म कमिटमेंट में क्या होगा? फर्म कमिटमेंट में अगर 55 पे कर दिया तब फिर $5 कमा रहे बैंक, क्योंकि बैंक को रिलायंस को तो 50 देने पर शेयर, बाकी 5 पर शेयर उसके पॉकेट में, तो 5 × 100 के एंड 48 में इट इज गोइंग टू मेक अ लॉस। इट इज गोइंग टू मेक अ लॉस। सो व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर ऑप्शन फॉर द बैंक? सेफर ऑप्शन इज ऑलवेज बेस्ट एफर्ट, क्योंकि वहां पे बैंक के पास समवॉट गारंटी रहते हैं कि फॉर एवरी शेयर दे आर गोइंग टू गेट सम फी। एंटिटी का देखते हैं, एंटिटी का क्या होगा? पहले तो फर्म कमिटमेंट में एंटिटी का तो श्योर ही है, एंटिटी को फर्म कमिटमेंट में दोनों बार 500 के ही मिलने हैं, सॉरी नॉट 500 के, 15 × 100, राइट? क्योंकि 100 के शेयर, हर शेयर उन लोग को 50 पे 50 का मनी मिलेगा। वॉट अबाउट बेस्ट एफर्ट्स? बताओ कैलकुलेट करके बेस्ट एफर्ट में क्या होगा? बेस्ट yes. नो वन, बेस्ट एफर्ट में क्या होगा? बेस्ट एफर्ट में जो एंटिटी है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस्ट एफर्ट में जो भी प्राइस पे प्लेस होगा एंटिटी को वो सारा रुपया मिल जाएगा, राइट? एंड दे विल हैव टू पे अ फी टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सीधा कॉन्सेप्ट है, बेस्ट एफर्ट में एक्स्ट्रा मनी गोज टू एंटिटी, फर्म कमिटमेंट में एक्स्ट्रा मनी गोज टू बैंक, राइट? और जहां पे एक्स्ट्रा मनी भी मिल रहा है वहां पे लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। सो सेफर ऑप्शन, सेफर ऑप्शन इज ऑलवेज फर्म कमिटमेंट फॉर एंटिटी, क्योंकि उसमें एंटिटी को पता है कि वो पूरा रुपया जितना उसको उठाने उतना उठा पाएगा, एंड बैंक के लिए इट इज बेस्ट एफर्ट बिकॉज उसको पता है कि वो जितना भी शेयर्स बेचे उसका फी फिक्स्ड है उस पे, राइट? क्या होएगा, एंटिटी अगर 55 डॉलर्स पे हो गया तो 55 100 के डॉलर्स एंटिटी विल गेट,
राइट, फॉर 100,000 शेयर्स 5,500 के डॉलर्स द एंटिटी विल गेट, बट दे विल हैव टू पे अ 1.5 डॉलर फी टू द बैंक. तो नेट में कितना हुआ? 53.5 डॉलर्स पर शेयर. तो इतना आया. और 48 डॉलर्स पे इशू होने से क्या हुआ? इसमें भी 1.5 देना पड़ेगा. तो इतना आएगा. तो क्या हुआ? सेफर ऑप्शन समझ में आया कि कौन सा किसके लिए क्या है? प्लीज टेक 2 मिनट्स. इम्पोर्टेंट है ये सब कॉन्सेप्ट्स. ये पूरा एग्जाम्पल है, इसको स्टडी करो. एंड कोई भी डाउट हो तो टेल मी. बोलो, क्लियर सबको? एनीवन, एनी डाउट्स? ठीक है. इसके बाद एक और थोड़ा सा, एक्चुअली अभी और तो हम लोग को थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट करने हैं, बट दिस वन आई थिंक शुड बी इजियर. क्या होता है कि जब कंपनी निकलते हैं, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, राइट? कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तब क्या होता है कि कंपनी का कोई पास्ट प्राइस हिस्ट्री नहीं होता हम लोग के पास, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट कंपनी इज एंटरिंग द मार्केट. तो इट बिकम्स वेरी टफ फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू डिसाइड द प्राइस कि हम लोग को क्या प्राइस पे इशू करना चाहिए. ओके, तो द प्राइस बिकम्स टफ टू जज. आइडियली क्या होता है, अगर हम लोग लेमैन में बात करें तो वैल्यू ऑफ कंपनी आफ्टर आईपीओ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये होना चाहिए पर शेयर वैल्यू कि इतना पे हम लोग को आईपीओ निकालना चाहिए. बट ऑब्वियसली इस वैल्यू पे नहीं करते हैं, थोड़ा सा लोअर पे करते हैं क्योंकि इट मेक्स इट मोर लाइकली दैट द शेयर्स आर गोइंग टू सेल. थोड़ा सा लोअर पे हम लोग इशू करते हैं एक बार. उसके बाद तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कंपनी परफॉर्मेंस द प्राइसेस विल इंक्रीज और डिक्रीज, बट फिर भी इट बिकम्स वेरी टफ टू मेक दिस जजमेंट समटाइम्स. तो एक मेथड यूज होता है विच इज कॉल्ड डच ऑक्शन. ओके, एनी आइडिया एनीवन व्हाट इज अ डच ऑक्शन? नहीं आएगा? ठीक है, तो डच ऑक्शन में क्या होता है, हम लोग एक बिड स्टार्ट करते हैं.
बिड स्टार्ट करते हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं हु वुड वांट टू बाय द कंपनी शेयर्स। तो जितने भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोग आते हैं। फिर उन लोग क्या बिड करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि आई विल बाय एक्स नंबर ऑफ शेयर्स एट वाई प्राइस। हर पार्टिसिपेंट अपना बिड देते हैं कि मेरे हिसाब से इस प्राइस पे इतना शेयर्स बिकना चाहिए। ओके, लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लेट ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 10 पार्टिसिपेंट्स हम लोग लें, ओके, एंड हम लोग बोले, सपोज फर्स्ट पार्टिसिपेंट बोला दैट आई एम रेडी टू बाय 100,000 शेयर्स एट $65। ओके, सेकेंड वाला बोला कि आई कैन बाय 50,000 शेयर्स एट $60। तो ऐसे करके ऑल 10 ऑफ देम सबमिटेड देयर बिड्स, ऑल 10 ऑफ देम सबमिटेड देयर बिड्स। कंपनी को क्या करना है, ये एग्जांपल में लेट मी सी हाउ मेनी शेयर्स, ये 100,000 शेयर टोटल कंपनी को 500,000 शेयर करने हैं। तो उससे उन लोग बिड्स मंगाए कि कौन कितना शेयर खरीद सकता है एट विच प्राइस। ओके, अब क्या करें, फर्स्ट है डच ऑक्शन होते हैं, हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे वेरियस प्राइस लो यहाँ पे 50-70 के रेंज में भी कंपनी चाहेगा कि हाईएस्ट प्राइस पे इशू है तो यहाँ पे देखो बिल्डर सी जो था वो कोट किया था 70 का प्राइस एंड दे सेड दैट 30,000 शेयर्स एट दैट प्राइस। तो 30,000 हम लोग को मिल जाएगा एट 70। फिर नेक्स्ट कोट, नेक्स्ट हाईएस्ट बिड गिवन बाय ए, हु सेड कि आई विल बाय 100,000 एट 60। प्लीज याद रखना, प्लीज बी वेरी केयरफुल, हम लोग इसको कर रहे हैं हमेशा प्राइस पर शेयर को रीअरेंज किया जाता है, नेवर एवर टेक नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वेस्टेड बेस, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स में यहाँ पे 100,000 शेयर्स लेते हम लोग और वो सिर्फ 55 हम लोग इशू कर पाते। आर एम इज नॉट टू हैव लेसर नंबर ऑफ बिडर्स, आर एम इज टू हैव हाईएस्ट प्राइस पॉसिबल। तो इसीलिए वी विल ऑलवेज फोकस ऑन दिस एंड फिर देखेंगे कि कितने बिडर्स को हम लोग शेयर्स दे सकते हैं। ओके, तो 30,000 फिर 100,000 ऐसे कर करके क्यूमुलेटिव हम लोग के पास है 500,000 शेयर्स, यहाँ तक तो 480 हो गए। तो इस बिडर डी को 20,000 शेयर्स मिलेगा, बिडर डी को 20,000 शेयर्स मिलेगा किस प्राइस पे, 55 पे। तो क्या हुआ, करते करते हम लोग देख लिए दैट 55 इज द मैक्सिमम प्राइस विच वी कैन चार्ज, क्योंकि अगर 55 के ऊपर चार्ज करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग प्राइस 56 पे सेट कर दिए तो 20,000 शेयर्स हम लोग का प्लेस नहीं हो पाएगा, और अगर 54 किए तो वी विल बी लूजिंग आउट ऑन मनी, वी विल बी लूजिंग आउट ऑन मनी बिकॉज हम लोग शेयर्स तो सारा प्लेस कर देंगे बट वी कुड हैव प्लेस्ड इट फॉर 1 रुपी हायर। क्लियर है ये चीज। ये डच ऑक्शन के प्रोसेस से
दे प्लेस द शेयर्स एंड दे डिसाइड कि विच बिडर गेट्स हाउ मेनी शेयर्स. अब एक ये होता है प्लेन वेनिला. जैसे वेनिला आइसक्रीम सबसे कॉमन आइसक्रीम होते हैं ना, बेसिक आइसक्रीम ऑफ ऑल, वैसे ही सिक्योरिटीज में भी वेनिला इज यूज्ड फॉर द मोस्ट बेसिक वर्जन. ओके, आप वेनिला स्वॉप देखोगे, देर आर वेनिला स्वॉप्स, देर इज वेनिला ऑप्शंस, देर आर वेनिला बॉन्ड्स. इसका मतलब क्या होता है कि दे आर द मोस्ट बेसिक वर्जन. इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएंट. बट वेनिला जहां पे होता है वो होता है मोस्ट बेसिक वर्जन. ओके, तो ये हुआ वेनिला डच ऑप्शन. कंपनीज क्या कर सकते हैं इफ दे वांट, यहाँ पे हम लोग क्या किए इस डच एज्यूम लोग, ये सब बिडर्स को उन लोग कंप्लीट बिड दे देंगे और लास्ट वाला जितना बिड किया था उसको देंगे, खाली बैलेंस दे देंगे. अनदर ऑप्शन इज प्रोराटा अलॉटमेंट. प्रोराटा अलॉटमेंट प्रो क्या होगा, प्रोराटा में होगा कि हम लोग को पता है 55 तक टोटल 6,80,000 शेयर्स जा सकते हैं. इसको हम लोग टोटल पकड़ लेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट अ रेशियो, बेसिकली 30/680. यहाँ पे 30/680, 100/680, तो क्या होगा, रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा कि अबाउट दिस 55 का प्राइस जितना भी प्राइसेस है उनको किस रेशियो में डिवाइड करने, किस रेशियो में उनको करने, तो फिर एवरी पर्सन विल गेट फ्यूअर शेयर्स देन रिक्वेस्टेड. यहाँ पे खाली डी को मिल रहा था वेनिला में, इस वेरिएंट में एवरी पर्सन विल गेट लेसर शेयर्स देन रिक्वेस्टेड डिपेंडिंग ऑन द रेशियो. उन लोग जितना शेयर्स बिट किए थे इनटू जो प्राइस था, इंटू जो प्राइस था, वो भी एक वेरिएंट बन सकते हैं. ओके, क्लियर है डच ऑप्शन. यहाँ पे देखो मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बीच बीच में? हाँ, एक्चुअली मेरे को लगा कि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है. अच्छा नहीं, अभी मैसेज आया है किसी स्टूडेंट का ग्रुप में. हाँ, वो बीच बीच में कर रहा बट ठीक हो जा रहा है. ओके ठीक है, कल से आई विल चेक इफ आई कैन सिट समवेयर एल्स, मे बी क्लोजर टू द वाईफाई. बट समझ में आ रहा है ना जो भी आई एम सेइंग? हाँ, ठीक है, ओके. तो डच ऑप्शन समझ में आया. अच्छा, दिस इज वन वेरियंट आई स्पोक अबाउट. यहाँ पे एग्जाम्पल है गूगल का, रियल लाइफ एग्जाम्पल. नंबर्स पे इफ यू वॉन्ट यू कैन गो लेटर, बट पॉइंट क्या है, गूगल क्या किया, जिन लोग 85 डॉलर या ज्यादा पे बिड किए उनको 74.2% ऑफ द शेयर्स मिल गया. मतलब कि क्या हो सकते हैं एक वेरिएंट, कि लेट्स से हम लोग एक बेंचमार्क बना देंगे, लेट्स से यहाँ पे हम लोग 61 पे बेंचमार्क बना दिए, तो एफ तक जो चार बिडर्स थे इनको हम लोग ज्यादा फेवर किए बिकॉज दे गेव अस बेटर वैल्यू, सो दे कैन गेट सम मोर शेयर्स एंड ये वाले लेवल पे वी कैन गिव फ्यूअर शेयर्स, और या फिर दीज पीपल कैन गेट 100%, दीज पीपल कैन गेट लेट्स से जो भी बैलेंस होगा उसको हम लोग इनमें डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल शेयर इशू कर देंगे. आया समझ में?
ओके, डच ऑप्शन डन। नाउ कल हम लोग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का थोड़ा सा बात किए थे, बस अब दो तीन टॉपिक्स ही बचे हैं, जल्दी से वील फिनिश इट ऑफ टुडे। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का हम लोग कल थोड़ा बात किए थे, एक्स एंड वाई था। हम लोग बोले थे जो परचेज कंसिडरेशन है, ऑप्शन वन इज कैश, ऑप्शन टू इज शेयर्स, एंड इसके अलावा अदर बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज को कुछ पर्क्स दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ऑफकोर्स थर्ड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड शेयर्स, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का प्रोसेस क्या होता है? ऐसे बहुत ही सिंपल होता है, बट काम बहुत ज्यादा होता है, लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट स्टेप वाइज बहुत ही सेट स्टेप्स होते हैं। आई स्पोक अबाउट रिवैल्यूएशंस, आई स्पोक अबाउट सिनर्जी, सिनर्जी देखना, आई स्पोक अबाउट आई थिंक परचेज कंसिडरेशन। अब ये जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड होते हैं, क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट बैंक एक पीसी देगा एंड कंपनी विल एक्सेप्ट इट? नो, देयर विल बी नेगोशिएशंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस एंड चेंजेस, वैल्यूएशन में चेंजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस, सब होके फिर फाइनली मर्जर या एक्विजिशन होते हैं। एंड M&A टू टाइप्स का होते हैं, होस्टाइल एंड फ्रेंडली। होस्टाइल में यूजुअली होता है कि एक बिगर कंपनी और स्ट्रॉन्गर कंपनी टेक्स ओवर अ वीकर कंपनी और अ स्मॉलर कंपनी यूजुअली, बट बेसिकली जो होस्टाइल टेक ओवर होते हैं दे आर डन ऑन वेरी बैड टर्म्स, एंड यूजुअली होस्टाइल टेक ओवर में काफी ले ऑफ होते हैं, क्योंकि जो अक्वायरिंग कंपनी है दे वॉन्ट टू टेक ओवर कंप्लीट कंट्रोल, एंड बेसिकली इट इज नॉट फ्रेंडली, क्योंकि इट इज नॉट म्यूचुअली डिसाइडेड अपॉन। फ्रेंडली में क्या होता है, दोनों कंपनीज म्यूचुअली डिसाइड करके करते हैं कि हाँ इट इज बेटर फॉर अस दैट वी कम टूगेदर। होस्टाइल में फोर्सफुली किया जाता है। ओके, तो नेचुरली होस्टाइल में टर्म्स एंड कंडीशंस आर लाइकली टू बी टाइटर। अब बहुत कंपनीज होते हैं हु डू नॉट वॉन्ट टू बी टेकन ओवर, दे डोंट वॉन्ट कि उनको अक्वायर किया जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब अगर कोई छोटा कंपनी है जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दे कैन ऑलवेज बिकम अ गुड टारगेट फॉर एक्विजिशंस। इसको अवॉइड करने के लिए उन लोग क्या करेंगे कि भले ही उन लोग का जो काम है वो बहुत अच्छा है, दैट्स वाई बिगर कंपनीज वॉन्ट टू अक्वायर देम, बट दे डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, क्योंकि एज आई सेड एक्विजिशंस में ले ऑफ बहुत होते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं, यू एक्चुअली बिकम अनदर एंटिटी ऑल टूगेदर, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज। इसके लिए यूज होता है वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, पॉइजन पिल्स। पॉइजन पिल्स क्या होते हैं? पॉइजन पिल्स बेसिकली कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, दे आर नथिंग बट सम स्टेप्स जो एक टारगेट कंपनी लेता है, सो दैट इट बिकम्स एन अनफेवरेबल टारगेट। एग्जाम्पल्स, ईसॉप्स को यूज किया जाते हैं एज पॉइजन पिल्स। क्या बोलते हैं? ईसॉप जो होएगा दे विल बी एक्सरसाइजेबल। ईसॉप्स होते क्या है कि बेसिकली एम्प्लॉइज को हम लोग ऑप्शंस दे देते हैं कि आप शेयर खरीद सकते हो हम लोग के कंपनी का, तो बेसिकली एम्प्लॉइज गेट दी ऑप्शन टू बिकम शेयर होल्डर्स, एंड यूजुअली ये जो ऑप्शन होते हैं मार्केट पे जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस पे आप वो शेयर्स को ले सकते हो सिंस यू आर एन एम्प्लॉई। एंड इन दैट वे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द कंपनीज परफॉर्मेंस, बिकॉज कंपनी अच्छा करेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा एंड एम्प्लॉय का प्रॉफिट होगा। ओके, तो पॉइजन पिल की तरह कैसे यूज किया जाता है ईसॉप्स को, कि उसमें टर्म डाल दिया जाता है कि वो ईसॉप्स एक्सरसाइजेबल होंगे ऑन
एनी मर्जर एंड एक्विजिशन. मतलब कि हाउ डज दिस बिकम अ पॉइजन पिल. मतलब कि जब लेट्स से एक्स वाई को टेक ओवर कर रहे हैं, वाई ने अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप्स दे दिया और बोला अगर फ्यूचर में कभी वी आर अक्वायर्ड देन यू एक्सरसाइज, देन यू कैन एक्सरसाइज योर ऑप्शंस. अगर एम्प्लॉइज एक्सरसाइज कर लिए तो क्या होगा वाई में? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विल गो अप और एक्स को तो हर शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा. एक्स विल हैव टू पे एवरी शेयर होल्डर. तो एक्स के लिए दिस डील विल बिकम अ लिटिल एक्सपेंसिव और मे बी नॉट एज फेवरेबल. प्लस वन मोर थिंग दैट विल हैपन, ये हुआ कि शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा पे करना पड़ सकते हैं. एक और चीज क्या होगा, अगर ले ऑफ का चांसेस हुआ, अगर ले ऑफ का चांसेस हुआ तो शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स के बीच में अब मैनेजमेंट भी बैठा हुआ है. जितने डायरेक्टर्स थे दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयज, दे हैड दीज ऑप्शन, दे एक्सरसाइज. अब भले ही उन लोग एज ए डायरेक्टर उसको ट्राई करे रिमूव करना, बट ईसॉप्स के कारण द डायरेक्टर्स हैव वोटिंग पावर नाउ इन द न्यू एंटिटी, कंसिडरिंग कि शेयर्स में हो रहा है ये मर्जर. लाइक द परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन शेयर्स. तो समझ में आया कि कैसे ईसॉप्स इशू बनेगा. एक और इशू हो सकता है दैट मे बी एक्स वांटेड टू कीप द एम्प्लॉइज. एक्स वांटेड टू कीप द एम्प्लॉइज क्योंकि मे बी अच्छे होंगे एंड एंड ऑफ द डे जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द कंपनी वर्क्स. दे आर द पीपल हु आर रनिंग द कंपनी. तो एक्स वांट्स टू रिटेन द सीनियर मैनेजमेंट सपोज, बट ईसॉप्स के चक्कर में सीनियर मैनेजमेंट क्या करेंगे, सीनियर मैनेजमेंट अपना ईसॉप्स एक्सरसाइज करके सेल करके एग्जिट कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट, विच मीन्स ईसॉप्स बोथ साइडेड थ्रेट हो सकते हैं. और क्या पॉइजन पिल्स होते हैं? और पॉइजन पिल्स होंगे कि मैनेजमेंट को पहले से वोटिंग पावर दे दिया जिससे उन लोग ब्लॉक कर पाए टेक ओवर को. ये बहुत कम चांसेस होते हैं. उसके बाद हो गया, इन लोग कोई टर्म और कंडीशन डाल दिए, टर्म एंड कंडीशंस डाल दिए इन कंपनी का चार्टर या मेमोरेंडम. इंडिया में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होते हैं जिसमें सब रूल्स लिखा हुआ रहता है, सब न्यू रूल्स, सब कंपनी का रूल्स लिखा हुआ रहता है. तो इसमें क्या बोल दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दिए, उसमें मेंशन कर दिए कि जो भी अक्वायरर होगा कांट फायर एम्प्लॉइज, अक्वायरर अक्वायरर के नॉट फायर द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर. सब एम्प्लॉइज का तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, बट मेनली डायरेक्टर्स एंड केएमपी का लिखते हैं. और पॉइजन पिल्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं. प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, बट उन लोग प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं विच आर कन्वर्टेबल. एंड कब होंगे कन्वर्ट? ऑन टेक ओवर. कभी भी टेक ओवर का इवेंट आया तो वो इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे. इसका अगेन सेम पहले जैसा इफेक्ट कि इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे. उसके बाद कंडीशन डाल दिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन बाय मोर शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस. अब ये चीज देखना होगा कि जो पॉइजन पिल्स हैं ये टेक ओवर के बाद नहीं होते हैं. दीज पॉइजन पिल्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड एज सून एज द कंपनी रियलाइजेस दैट इट कैन बी अ पोटेंशियल टारगेट. जैसे ही पोटेंशियल आते हैं वैसे ही उनको ये करना पड़ेगा. ओके तो ये एग्जाम्पल्स हुए ऑफ पॉइजन पिल्स. कुछ कुछ जगह ये अब एमएनए जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली बिकॉज एज आई स्पोक अबाउट सिनर्जी.
जब सिनर्जी आता है तो इकोनॉमी विल ऑब्वियसली परफॉर्म बेटर, राइट? तो एज अ होल इट इज अ बेटर अरेंजमेंट, बट फॉर द कंपनी इंडिविजुअली इट इज नॉट अ गुड थिंग. तो इसीलिए पॉइजन पिल्स कुछ इकोनॉमीज बैन कर देते हैं. मतलब उन लोग अपने लॉ में ही ऐसा क्लॉजेस डाल देते हैं कि कंपनीज आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दीज पॉइजन पिल्स. ऑलराइट, ओके. नाउ क्विकली, फर्स्ट लेट मी शो यू ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल. जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, क्या होता है, किसी को पता है सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? एनीवे एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट सिक्योरिटाइजेशन? ठीक है, चलो. तो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन कमिंग फ्रॉम द वर्ड सिक्योरिटी. सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि कोई भी एक चीज को सिक्योरिटी बना दिया जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिक्योरिटी. व्हाट इज अ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इज एनीथिंग दैट इज बॉट एंड सोल्ड. तो जैसे शेयर्स भी सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स भी सिक्योरिटीज है. बैंक्स को सिक्योरिटाइजेशन कैसे काम आते हैं? बैंक्स के पास एसेट्स होते हैं. क्या एसेट्स होते हैं? द लोन्स विच द बैंक हैज इशूड. ये बैंक्स के एसेट्स हैं. क्या बैंक इसको बेच सकते हैं किसी को? लोन पर से नहीं बेच सकते, बट बैंक क्या कर सकते हैं, एक मॉडल बना सकते हैं. उसमें क्या होगा कि है यहाँ पे एक बैंक, उसके पास बहुत सारा लोन है, लोन ए लोन बी. बहुत सारा लोन्स है बैंक के पास. बैंक एक सेपरेट एंटिटी बनाया, इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल. स्पेशल पर्पस व्हीकल व्हाई? बिकॉज ये जो एंटिटी है ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही बना है. इट हैज बीन मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली विच इट हैज टू फुलफिल. बैंक क्या किया, बैंक ये सब लोन्स उठा के एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया. दे आर नॉट सेलिंग इट ऑफ, दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग इट टू अनदर एंटिटी. एंड एसपीवी के ओनर बैंक ही है, मतलब बैंक ने एसपीवी को फॉर्म किया. तो ये ट्रांसफर कर दिया सारा लोन्स. नाउ लेट्स से 100 मिलियन का टोटल लोन बुक था जो कि ट्रांसफर किया गया. ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे में हम लोग साथ साथ में बैलेंस शीट देखते हैं. बैंक का जो बैलेंस शीट था वहां पे ये सारे लोन्स थे 100 मिलियन के. ये एसेट्स अब हट गए क्योंकि अब ये एसपीवी को ट्रांसफर हो गए. तो ये बैंक के बुक से एसेट हट गया. इससे बैंक को क्या बेनिफिट हुआ? बैंक अगर अपने बुक से लोन हटा दे रहे हैं तो बैंक का रिस्क कैपिटल कम हो जा रहा है. रिस्क कैपिटल कम हो जा रहा है. रिक्वायरमेंट, हम लोग सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स कल पढ़े थे. क्योंकि अब बैंक ये लोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, विच मीन्स लोन्स पे जो क्रेडिट रिस्क एंड ऑल था उसको अब बैंक को कंसिडर नहीं करने. तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक के पास और रिस्क एपेटाइट आ गया. बैंक कैन इशू मोर लोन्स, बैंक कैन इशू मोर लोन्स. एसपीवी का क्या हुआ, एसपीवी के पास अब यहाँ पे एसेट साइड में आ गए हैं लोन्स. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड.
एसपीवी के पास बैलेंस शीट पे अब एसेट्स आ गए हैं कुछ, जो एसपीवी को मीट करने पड़ेंगे, राइट? अब एसपीवी क्या करेगा? एसपीवी के पास ये सब आ गए हैं। एसपीवी इज अ कंपनी, उसको फंड रेजिंग के लिए, फंड रेजिंग, अब ये लोन जब एसपीवी को रीपे करना पड़ेगा, जब आएगा, आई मीन मनी, सॉरी, जब मनी आएगा तब क्या होगा? अभी के लिए एसपीवी हैज टू इशू सम मनी। व्हाट एसपीवी इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू सिक्योरिटाइज दिस, इट इज गोइंग टू सिक्योरिटाइज दिस। वो क्या करेगा? वो सिक्योरिटीज इशू करेगा एसपीवी अपने नाम पे एंड इन्वेस्टर्स को दे देगा। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? इन्वेस्टर्स विल गिव सम मनी, ऑब्वियसली। लेट्स से यूजुअली 3 ट्रांचेस होते हैं, सीनियर, मेजेनाइन एंड इक्विटी, या इसको कभी कभी जूनियर भी बोला जाता है। सीनियर, मेजेनाइन एंड इक्विटी या जूनियर ट्रांच, ये 3 ब्रॉड ट्रांचेस होते हैं। इसके अंदर भी सब ट्रांचेस हो सकते हैं। ट्रांच क्या होता है? ट्रांच इज बेसिकली वन सेक्टर या वन डिविजन। ओके, लेट से सीनियर ट्रांच 70 मिलियन डॉलर्स का प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं, मेजनाइन इन्वेस्ट करते हैं 25 मिलियन एंड ये करते हैं 5 मिलियन। तो क्या हुआ? 100 का एसपीवी के पास बैलेंस शीट पे लाइबिलिटीज आ गया, लाइबिलिटीज आ गया, क्योंकि एसपीवी ने ये सब इशू किया, एसपीवी ने ये सब रुपया उठाया। हाँ, एसपीवी को रुपया क्यों उठाना है? बैंक जब ये 100 मिलियन का लोन एसपीवी को ट्रांसफर किया, तो एसपीवी हैज टू पे समथिंग टू द बैंक, राइट? वरना बैंक का पॉइंट क्या हुआ? बैंक को यहां से, अगर बैंक के बैलेंस शीट से लोन हट रहे हैं, तो कैश आना चाहिए टू बैलेंस इट आउट। ये कैश एसपीवी दिया है, इस कैश को देने के लिए एसपीवी को रुपया रेस करना पड़ा, एसपीवी को रुपया रेस करना पड़ा, ये कैश आया और वो बैंक को चला गया। और यहाँ पे लेट से इसको हम लोग डिपॉजिटर्स मनी बोलते हैं, ये एसपीवी का लाइबिलिटी बन गया। अब ये लाइबिलिटी कैसे रिपे होगा? ये लाइबिलिटी रिपे होगा जब एसपीवी के पास लोन से रुपया आएगा, तब उस रुपया को लेके एसपीवी डिपॉजिटर्स को दे देगा। यहाँ तक क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एसपीवी पब्लिक से रुपया उठाया और बैंक को दे दिया, और उसके अगेंस्ट ये 100 मिलियन का लोन बुक अपने पास ले आया। अब जब ये लोन्स रीपे होंगे, जब इनके ईएमआई आएंगे, तो उस टाइम पे वो रुपया से इट विल पे ऑफ द डिपॉजिटर्स, इट विल पे ऑफ द डिपॉजिटर्स। अब कोई भी पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा इसमें? ऑब्वियसली दे विल वांट सम रिटर्न, दे विल वांट सम रिटर्न। जो सीनियर ट्रांच होते हैं उसका रिटर्न सबसे कम होता है यूजुअली, लेट्स से 5%, इसका 8%। एंड इक्विटी ट्रांच इज ऑलवेज, इक्विटी इन इट्स नेम ऑल्सो इज ऑलवेज हाइएस्ट रिस्क टेकिंग, विच मीन्स कि सबसे लास्ट रुपया इक्विटी को मिलते हैं। हाँ, तो सबसे लास्ट इक्विटी को मिलेगा एंड उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वी विल गिव देम अ 25% रिटर्न। जहां हायर रिटर्न है वहां हायर रिस्क है। ओके, नाउ नाउ व्हाट विल हैपन इज कि जैसे जैसे लोन्स का पेमेंट आएगा, जैसे जैसे लोन्स का पेमेंट आएगा, वैसे वैसे सबको मनी मिलेगा। किस ऑर्डर में मिलेगा मनी? किस ऑर्डर में मिलेगा मनी? इक्विटी, इक्विटी ट्रांच सबसे ज्यादा लॉसेस बेयर करेगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही प्रिंसिपल फ्लो होगा, सबसे पहले सीनियर फ्लो होगा, फिर मेज वालों को उनका प्रिंसिपल रिटर्न होगा, एंड फाइनली
इक्विटी वालों को उनका प्रिंसिपल रिटर्न होगा। एंड ये जो हम लोग फ्लो का बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट विथ रिटर्न फ्लो। ओके, वो नाउ एसपीवी मॉडल नहीं समझ में आया, सिक्योरिटाइजेशन मॉडल। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा कि आज पब्लिक लोन एक्सटेंड नहीं कर सकते, दे वांट टू टेक दैट रिस्क। लोन पे जो रिटर्न मिल रहा है उनको वो रिटर्न चाहिए, एंड उन लोग वो रिस्क उठाना चाहते हैं, बट दे के नॉट डू दैट क्योंकि यू नीड अ लाइसेंस टू इशू लोन्स, बैंकिंग के लिए लाइसेंस चाहिए। तो इसीलिए दिस इज अ वे ऑफ इन्वॉल्विंग द पब्लिक, तो ये पब्लिक का बेनिफिट हुआ। बैंक का बेनिफिट मैंने दिखा दिया कि बैंक अपने बुक से जब लोन्स को हटा देगा और दूसरे बुक पे ट्रांसफर कर देगा, तो उस टाइम पे बैंक्स और लोन इशू कर सकते हैं, राइट? और क्या बेनिफिट होते हैं? पब्लिक जो है, एसपीवी इज कॉल्ड अ बैंकरप्टसी रिमोट व्हीकल। दिस इज अ बैंकरप्टसी रिमोट एंटिटी, विच मीन्स कि बैंक अगर इंसॉल्वेंट भी हो गया तो भी वो एसपीवी को टच नहीं कर सकते। एसपीवी के पास जो उसका $100,000 का लोन पेपर है, दैट के नॉट बी टच्ड बाय द बैंक। तो विच मीन्स कि द पब्लिक इज सेफ। बैंक फेल भी हो गया तो एसपीवी को कुछ नहीं होगा। क्लियर? रिस्क क्या होगा? रिस्क होगा ऑब्वियसली डिफॉल्ट रिस्क। एसपीवी को अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट रिस्क तो हो गई इन्वेस्टर्स के लिए। प्लस एक और रिस्क होता है विच इज कॉल्ड प्री पेमेंट रिस्क। प्री पेमेंट रिस्क वो क्या होते हैं कि लोन्स में आज अगर हम लोग कोई लोन लेते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि हम लोग उसको प्री पे कर दें, मतलब हम लोग इंटरेस्ट पूरा एंड तक नहीं दे, हम लोग पहले ही जाके पूरा प्रिंसिपल लौटा दे उसको अलोंग विद बैलेंस इंटरेस्ट। उस टाइम पे क्या होएगा? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग गोज फॉर अ टॉस, प्लस आपका रिटर्न भी अफेक्ट होगा क्योंकि आपका रिटर्न तो वॉज डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो एंड तक है वो आपको पूरा नहीं मिल पा रहे, तो इसीलिए ई पेमेंट रिस्क आ जाएगा। एनी क्वेश्चन ऑन दिस मॉडल? एनी क्वेश्चन? ओके, लास्ट वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्मॉल सा डिस्कशन है। हम लोग ने देख लिया अभी तक कि टू विंग्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग। इन दोनों के बीच में एक वॉल डालना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं चाइनीज वॉल्स या फिर फेंसिंग। दोनों ऑपरेशंस में बीच में एक वॉल डालना जरूरी है। वाई? बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कमर्शियल बैंक के बीच में बहुत सिचुएशन ऐसे हो सकती है जब कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कि इन्वेस्टमेंट बैंक का इंटरेस्ट एक तरफ है, कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट एक तरफ है, एंड ऐसा हो सकता है कि अगर डिविजन नहीं हो दोनों में तो फिर दोनों मिल के बैंक का बेनिफिट कर सकते हैं, बट दे विल हैव टू लाइक द अदर पार्टी विल हैव टू सफर। ओके, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये एग्जाम्पल्स डायरेक्टली हम लोग बुक से लेते हैं क्योंकि कुछ खास नहीं है इसमें समझाने का। ये रहा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। सपोज अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर इज हैंडलिंग अ न्यू इक्विटी इशू, हम लोग को पता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक्ट एज अंडरराइटर्स, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू परसुएड इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर, तो बैंकर इन्वेस्टमेंट बैंकर माइट आस्क बैंक्स ब्रोकर्स, जो ब्रोकिंग ब्रांच है। ब्रोकर्स मैंने बोला था, ब्रोकर्स ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल ट्रेडर्स, तो ब्रोकर्स को बोल सकते हैं कि अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करें
टू बाय द सिक्योरिटीज एंड बाय देम फॉर क्लाइंट डिस्क्रिशनरी अकाउंट्स, विच मीन्स कि ब्रोकर्स के थ्रू उन लोग शेयर्स को और ज्यादा एडवाइस कर करके इनकरेज कर सकते हैं. तो ये क्या हुआ, रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि सेम बैंक के अंदर में, सेम बैंक के अंदर में ये काम हो रहा है. सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट बैंकर इज एडवाइजिंग अ क्लाइंट अबाउट अ पॉसिबल एक्विजिशन. इट नोज दैट द टारगेट कंपनी इज अ क्लाइंट ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग आर्म. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स माइट आस्क द कमर्शियल बैंकर्स फॉर देयर इम्प्रेशंस एंड thereby gain confidential information that can be passed on to acquiring company. तो जो बैंकर होते हैं उन लोग के पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर हैंडलिंग आर मनी. तो जब कंपनी एक्स वाई को टेक ओवर कर रहे हैं, अगर वाई कमर्शियल बैंकिंग आर्म का क्लाइंट है, विच मीन्स वाई का बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बैंक के पास है, विच इज सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल. इन द इवेंट ऑफ अ टेक ओवर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट पब्लिक, बट क्योंकि सेम बैंक के अंदर में सारा काम हो रहा है, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्स तक इनडायरेक्टली पहुंचे. कैसे, जो कमर्शियल बैंकिंग आर्म है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म को बोलेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म जाके अपने क्लाइंट एक्स को बोल देगा. तो अगेन रॉन्ग प्रैक्टिस. सपोज इन्वेस्टमेंट बैंक इज होपिंग फॉर ल्यूक्रेटिव बिजनेस फ्रॉम अ कंपनी, मतलब कि एक बहुत बड़ा काम मिलने वाले प्रोस्पेक्टिव कंपनी से. It might contact researchers that work for the brokerage end of the bank and ask them to come up with a buy recommendation for the company's stock. अगर आप लोग कभी न्यूज चैनल देखे हो, जो बिजनेस न्यूज चैनल है, मार्केट आवर्स में हर ब्रोकर अपना रिकमेंडेशन देते हैं कि ये शेयर बाय, ये शेयर सेल, इतना टारगेट है, रीजन देता है, एटसेट्रा. तो अगर मान लो जो ब्रोकरेज एंड है वो अगर एक अच्छा सिग्नल दिया कि हाँ इस शेयर को खरीदो, तो क्या होगा, जो कंपनी है उस कंपनी को ये चीज दिखेगा कि ये पर्टिकुलर बैंक का जो ब्रोकरेज आर्म है दे आर फेवरिंग अस, तो उन लोग ज्यादा लाइकली होंगे दैट दे विल गो टू दैट बैंक्स इन्वेस्टमेंट ब्रांच, आईबी ब्रांच, उसी बैंक का चूज करेंगे उन लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये वाला बैंक हम लोग को फेवर कर रहा है. Lastly, suppose that the bank's commercial banking arm has a large loan outstanding to a client where there is a high probability of a loss. It might suggest to the client that it replaces the loan with a bond issue handled by the bank's investment banking arm. If the investment banking arm agrees to this, the debt is likely to be taken over by investors who are less informed than the commercial bankers. So, yahan kya ho raha hai? Ek company hai X. उसको बहुत बड़ा लोन दिया है, उसको बहुत बड़ा लोन दिया है, ये लोन हम लोग को उठाना है, मतलब वी आर सीइंग सम रिस्क दैट द कंपनी मे नॉट रीपे, तो इसलिए वी वांट टू क्लियर ऑफ दिस लोन. क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रांच के पास जाओ एंड एक बॉन्ड इशू कर दो. बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड इज ऑल्सो डेट ओनली, बॉन्ड इज ऑल्सो डेट ओनली. तो क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म इनकरेज कर देगा डेट इशू या फिर बॉन्ड इशू एंड रुपया मिल जाएगा कंपनी में. इस रुपया से हम लोग का लोन रीपेमेंट गारंटी हो जाएगा कि अब तक एक्स के पास रुपया आ गया बॉन्ड इशू से, तो इसीलिए नाउ दे कैन रीपे आर लोन, वी आर सेफ नाउ. बैंक तो निकल गया ना पूरे सिचुएशन से, और बैंक पब्लिक डिपॉजिटर्स जो भी इन्वेस्टर्स होते उनको फंसा दिया, क्योंकि अब वो रिस्क इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर हो गया. ओके, तो यू कैन सी हाउ अगर डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट एंड्स ऑफ द बैंक कम टुगेदर देन दे कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ रिस्क इवेंट्स. ओके, एनी डाउट? With this, we finish banks wala chapter. All of you, please go and read the entire chapter
एंड प्लस उसका जो क्वेश्चंस है उसको ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चंस है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर एंड स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, एनी डाउट्स, एनीवन, एनी फीडबैक फ्रॉम दिस सेशन? सब समझ में आया? कुछ भी लग रहा है, स्लो, फास्ट, एनीथिंग? नहीं, इट वाज गुड। मैम आपकी आवाज कट कट के आती है बीच में, तो आधा सुनता ही नहीं। मैंने बाकी जन से पूछा कि इशू हो रहा है क्या, वैसे भी तुम कल से आई विल ट्राई एंड सेट क्लोजर टू द वाईफाई ताकि ये इशू नहीं रहे। अगर कल भी होता है तो फिर लेट मी नो, आई विल फिगर आउट सम अदर वे। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।